हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 नवंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम को लेके। देखो कंटेक्स्ट क्या होता था आपको। कंटेक्स्ट ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड जो क्राइम है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी, जिसकी रिपोर्ट के हमने कल कुछ फैक्ट देखे थे। तो हमें इस रिपोर्ट के बारे में जानना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। आपको ध्यान हो तो कल की हमारे प्रीलिम्स अपडेटरी में जो पहला आर्टिकल डिस्कस किया था वो बेसिकली वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम के बारे में था, और जो भी हमने जो उसमें डाटा डिस्कस किया था वो बेसिकली इसी रिपोर्ट का एक हिस्सा था। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड जो क्राइम रिपोर्ट है वो बेसिकली पब्लिश की जाती है यहाँ पे यूएन के द्वारा, ये हमने जाना था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके तहत बेसिकली इस रिपोर्ट को पब्लिश है वो किया जाता है। 1997 से बेसिकली रिपोर्ट है वो तैयार है, वो की जा रही है। देखो थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसी के साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन की जो क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन है उसके द्वारा भी इसमें सपोर्ट है वो दिया जाता है। इसके साथ हमें एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि बाद में 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और 2002 में इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। बाकी पहले क्या नाम था इसका, पहले नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसके बाद इसका नाम चेंज करके ये रखा गया। हेडक्वार्टर इसका ऑस्ट्रिया के वियना में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे कि वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इस रिपोर्ट में इस बार सामने आया कि वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो बेसिकली वुमेन्स के घर में ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब घरों में क्राइम ज़्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू बाहर। चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस को लेकर दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रतिष्ठा की बात यहाँ पे काउंट है वो कर सकते हो। तो इस रिपोर्ट के बारे में जो फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है बेसिकली क्रिस्पर CAS9 के बारे में। देखो बेसिकली ये एक GNA डीन एडिटिंग के बारे में है, तो इसके बारे में UPSC पूछ सकती है कि क्रिस्पर CAS9 क्या है, क्या कोई मेरीटाइम शिप वगैरह है, या फिर मैं पूछ सकती है कि एक तरीके से मिलिट्री गन वगैरह है इंडिया DRDO द्वारा डेवलप वगैरह की गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रिस्पर CAS9 है वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इसका DNA एडिटिंग में। देखो GNA जो जीन वगैरह होते हैं उनकी एडिटिंग करनी होती है बेसिकली डिजीज वगैरह को ठीक करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, टेक्निकली तो खैर ये सही नहीं है, बट हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लो कि ये है DNA, अगर इसके मानो कि इस वाले जीन में बेसिकली कोई दिक्कत है तो इसको अगर एडिट करना हो तो यहाँ से जो कट करना होगा फिर इसको वापस ऐड करना होगा वो बेसिकली क्रिस्पर CAS9 टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो DNA की जो एडिटिंग होती है वो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। देखो बेसिकली इसका पॉजिटिव यूज भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव यूज तो क्या है, जैसे किसी में कोई जेनेटिक्स डिजीज हो या बोल सकते हो कि अनुवांशिक की बीमारी हो तो उसको ठीक यहाँ पे किया जा सकता है जीन एडिटिंग के द्वारा। मिसयूज ये हो सकता है कि इसमें आप अपनी मनचाही पसंद की जो भी कैरेक्टर है वो इंसान में पुट कर सकते हो, या फिर आप किसी को भी बेबी हो उसमें अपने चाहे जैसे गुण चाहिए, कलर कैसा चाहिए, वो सब वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज भी है। तो बेसिकली इसमें एथिकल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट अभी जो न्यूज़ थी वो इस टेक्नोलॉजी को लेके थी, तो हमें पर ध्यान रहना चाहिए कि है क्या। देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है क्रिस्पर और एक है CAS9, तो हमें दोनों के बारे में बताना चाहिए। क्रिस्पर है वो बेसिकली DNA को एडिट करने का काम है, और फिर जो CAS9 है वो इसमें एक एंजाइम है जिसकी हेल्प से DNA को वापस में और जोड़ा जाता है और कट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है इसमें CAS9 है वो DNA को जब हम कट करके वापस जोड़ेंगे तो उसके लिए बोल सकते हैं कि फेविगोल का काम है वो करता है CAS9, तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान में यहाँ पे रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है पैसा पोर्टल को लेके। देखो कंटेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट की एक स्कीम चलाई हुई थी, आपको ध्यान हो तो एक मिशन चलाया हुआ था जिसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन। तो बेसिकली इसी स्कीम के तहत लोगों को जो पैसा दिया जाएगा वो पैसा इस पैसा पोर्टल के द्वारा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत वो बेसिकली पैसा पोर्टल के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। पैसा की फुल फॉर्म है यहाँ पे पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो बात है, अब इसके लिए हमें एक चीज़ ये जानने की जरूरत है कि भाई पहली बात तो है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो है क्या, इसके बाद में हम कंटेक्स्ट को और अच्छे से डिस्कस है वो करेंगे। तो पहले हम दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में जानते हैं। देखो बेसिकली ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये चीज़ हमें ध्यान रखें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर है वो कर रही है। इसको इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा, ये चीज़ में ध्यान में रखनी है। बेसिकली इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि जो अर्बन एरिया है उसके अंदर एक्चुअली कैपेसिटी को डेवलप किया जा सके ताकि वो लोग अपनी आजीविका को सुनिश्चित है वो कर सके।
देखो रूरल एरिया में आजकल खेती में इतनी इनकम रही नहीं, और काफ़ी किसान तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, बहुत कम ज़मीन है, तो ऐसे में वो अपनी आजीविका कैसे चलाएं। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ स्किल चाहिए। ये मान लो कि काफ़ी गरीब घर है, उसको अगर बैटरी रिक्शा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है कुछ पैसों की हेल्प से, तो वो अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो इसलिए जो उसको भाई बैटरी रिक्शा खरीदना है तो उसके लिए पैसा चाहिए कहीं ना कहीं, तो वो बेसिकली प्रोवाइड करा जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। इसके तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, छोटे छोटे प्रोग्राम चलाई जाएगी, वहाँ के लोगों को स्किल प्रोवाइड कराएगी, या फिर जैसे कि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो कि एक तरीके से थड़ी वगैरह लगाते हैं, या फिर जो लोग कचरा बीनते हैं, या फिर जिन लोगों के पास घर नहीं है, तो उन लोगों को बेसिकली गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करके और उनको क्या करेगी, फाइनेंशियल हेल्प वो दी जाएगी। मतलब जैसे कि उन्होंने लोन लिया तो उस लोन के ऊपर गवर्नमेंट उनको 5 से 7% सब्सिडी दे देगी इंटरेस्ट के ऊपर, और उसके बाद में वो लोग अपना बिजनेस ऐड कर सकते हैं, छोटे अपना कुटीर उद्योग चला सकते हैं। इस तरीके के काम है वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करा जा सकता है मैक्सिमम, और या फिर ग्रुप में से 5-6 लोग मिलकर काम करें, कोई वो बड़ा प्लान करें, तो उसके लिए उनको मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये लोन बेसिकली किस लिए है, ये इसलिए है ताकि वो लोग अपनी आजीविका को चला सकें और इतना रोजगार का साधन क्रिएट कर सकें। देखो मुद्रा योजना है वो किस लिए है? मुद्रा योजना थी वो थी एमएसएमई सेक्टर के लिए। मतलब हमारे देश में जो एमएसएमई सेक्टर को लोन चाहिए होता है वो दिया जाता है मुद्रा योजना के तहत, जबकि दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो लोगों की आजीविका को फोकस करती है, ताकि लोग है वो अपना डेली की रोजी रोटी तो चला सकें, इसके लिए तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प है वो प्रोवाइड करवा रही है। इसके तहत देखो जो पैसा दिया जाएगा वो बेसिकली अब प्रोवाइड करवाया जाएगा इस पैसे पोर्टल के तहत। तो ये थी कंटेक्स्ट जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। और ये जो पोर्टल तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया है इलाहाबाद बैंक के द्वारा। तो इलाहाबाद बैंक है वो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली, यहाँ पे नोडल एजेंसी के तौर पे काम है वो करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा, वो सारा काम इस पैसे पोर्टल के द्वारा किया जाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी इसके नए चेयरपर्सन को अपॉइंट है वो किया गया है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। देखो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ये, इसको हमारे देश में 1983 में रेगुलेट बनाया है या आप पूछो तो इस्टेब्लिश है वो किया गया था। इसका काम क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी का हमारे देश में मेन काम ये है कि जो न्यूक्लियर और जो रेडिएशन सेफ्टी है इसको सिक्योर या इसको सुनिश्चित किया जा सके। देखो ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि इंडिया ने कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया या फिर कोई न्यूक्लियर मिसाइल बनाई, तो उससे ऐसा खतरा नहीं हो कि लोगों की लाइफ है वो प्रभावित होने लग जाए। तो उसके लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं या फिर जो गाइडलाइंस वगैरह तैयार की जाती हैं वो की जाती हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी बोर्ड के द्वारा। यही गाइडलाइंस वगैरह वो तैयार है बेसिकली करता है, तो हमें यह ध्यान में रखना है। इसको बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत है वो बनाया गया था। अब देखो इसमें एक छोटा सा फैक्ट और है ध्यान में रखने लायक, वो फैक्ट ये है कि जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 उसकी गाइडलाइंस और इसी के साथ ही एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, इन दोनों की गाइडलाइंस को या आप बोल सकते हो कि इन दोनों के रूल्स को फुलफिल है वो करता है। क्योंकि देखो आपको पता है कि अगर रेडिएशन फैलता है या मान लो कहीं भी विकिरण फैलती है न्यूक्लियर रेडिएशन की, तो उससे काफ़ी बड़ा नुकसान होता है और इन्वायरमेंट को भी लॉस होता है। तो इसलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की गाइडलाइन है उनको भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है, और एटॉमिक एनर्जी एक्ट की गाइडलाइन है 1962 की उनको भी यहाँ पे फॉलो करके काम है वो इस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी हमारे प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति साहब रामनाथ कोविंद हैं, उन्होंने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो की है। देखो जो अभी हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से पोस्ट पे वो बेसिकली मतलब कौन से हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, तो 23वें इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे उनको अपॉइंट है वो किया जाएगा। क्योंकि जो अभी हमारे रिसेंट जो ओपी रावत हैं वो बेसिकली दिसंबर 2018 में रिजाइन दे देंगे, इसके बाद जो कार्यकाल है वो बेसिकली अभी संभाला जाएगा एक IAS ऑफिसर जिनका नाम है सुनील अरोड़ा, तो इनको भी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट है वो किया जा रहा है। तो हमें ध्यान में रखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन से हैं। देखो एक तो ये ध्यान रखना है कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट है वो किया जा रहा है। अब देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से काम करती है स्थायी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से UPSC क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरीके से ये ध्यान में रखना है हमें कि भाई ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे काम है यहाँ पे करता है, क्योंकि ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे।
देखो इम्पोर्टेंट बात इसकी है क्या, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे देश में जो भी इलेक्शन हो, विधानसभा की इलेक्शन हो, इसके साथ ही लोकसभा की इलेक्शन हो, वो सारे काम है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही काम है या इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। और स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं जैसे कि पंचायत राज वाले जो इलेक्शन होते हैं थर्ड पार्टी वाले, वो बेसिकली करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशनर्स के द्वारा। अब हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन की बात यह कि देखो बेसिकली इसमें मल्टी मेंबर बॉडी होती है, और अभी करंटली हम बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे 3 पर्सन है वो बेसिकली काम है वो कर रहे हैं। तो इसमें एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन और जो बाकी दो होते हैं उनको बोला जाता है इलेक्शन कमिश्नर्स। बट ये ध्यान रखना है कि इन तीनों की पावर है वो इक्वल होती है, मतलब इन तीनों का जो स्टेटस है जो लेवल है वो इक्वल होता है। बट जो सीन एक जो मैन होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है और बाकी दो अन्य को इलेक्शन कमिश्नर्स। पावर तीनों की इक्वल है और तीनों को सेम सैलरी मिलती है, ये ध्यान रखना है हमें कि इनमें कोई वैसे डिफरेंस है वो नहीं है। और जब भी मान लो किसी चीज़ को डिसीजन लेने में कोई इश्यू हो तो बहुमत से तीनों है वो आपस में डिसीजन है वो लेते हैं। अपॉइंटमेंट तीनों की है, वो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा है वो की जाती है। अहम बात आती है इनके कार्यकाल की, तो कार्यकाल हमें ध्यान में रखना है कि 6 साल या तो मैक्सिमम या फिर उनकी एज 65 ईयर्स हो जाती है तब तक, मतलब 65 ईयर पहले हो गए तो 65 ईयर को काउंट किया जाएगा, अदरवाइज 6 साल है उसको बेसिकली फोकस है यहाँ पे किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में और क्या है। देखो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बेसिकली एक्ट है उसके तहत उनको सैलरी वगैरह वो प्रोवाइड है वो की जाती है, और इनकी सैलरी है वो हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके इक्वल इनकी सैलरी है वो होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इनकी जो सैलरी है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के इक्वल होती है, सैलरी हो गई, अलाउंसेस वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें। तो ये ध्यान में रखनी, पावर है वो जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों की पावर है वो इक्वल है वो होती है। तो ये था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर कुछ फैक्ट है वो। आप ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर है वो बताएं। तो बेसिकली ये थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट, इसके बारे में जाना। इसके साथ ही हमने क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी के बारे में जाना जो कि डीएनए एडिटिंग की एक टेक्नोलॉजी है, और हमने जाना कि क्रिस्पर CAS9 में जो कैस 9 है लास्ट का ही कैस 9 ये बेसिकली एक एंजाइम है। इसके साथ ही हमने एक पैसा पोर्टल के बारे में जाना जो कि इलाहाबाद बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका मेन काम क्या है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है वो इसी पोर्टल के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में जाना जो कि रूरल लोगों की बेसिकली आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए उनको रोजगार के साधन उनको स्किल है वो प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ ही हमने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में जाना कि बेसिकली ये स्टेचुरी बोर्ड ये बोर्ड है किस टाइप का बोर्ड है ये हमने जाना। इसके साथ ही हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के बारे में जाना कि रामनाथ कोविंद ने 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट है वो भी किया है। कौन है अभी ध्यान रखना है, सुनील अरोड़ा है, उनको 2018 दिसंबर में अपॉइंट है वो किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।